बिलू शहर राजस्थान जो कि एक सन सिटी है, जो राजस्थान के जोधपुर को कहते हैं, वो जगह जिसे देखते ही आपको प्यार हो जाएगा। जैसे ही इसका नाम बिलू सिटी, वैसे ही खूबसूरत ये राजस्थान का शहर है। आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसे देखा होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ हरीश, आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत दर्शन विद एचएसबी। दोस्तों, फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं हूँ जोधपुर में। तो आज आपको जोधपुर सिटी टूर करा रहा हूँ मैं। जोधपुर में ओल्ड सिटी आपको दिखाता हूँ। और अभी मैं पहले जाता हूँ रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में गाड़ी खड़ी करके तो मैंने लोकेशन देखी, वहाँ पर बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत पुराने पुराने बिल्डिंग बने हुए हैं। और आपको लेके चलता हूँ। और ये है जोधपुर का नज़ारा, आप देखिए। अभी जोधपुर भी काफ़ी ग्रीन हो चुका है, देखिए कितने पेड़ लगे हुए हैं। तो देखो ग्रीन हो है ना एकदम, और धूप बहुत तेज़ है अभी। आज है 12 तारीख, महीना अप्रैल 2023 का। तो मैं अभी उदयपुर से आया हूँ। उदयपुर से मैं आके अब सिटी टूर कर रहा हूँ अभी। तो आपको आज ओल्ड सिटी टूर कराता हूँ जोधपुर का। और जोधपुर में क्या है, आप भी मेरे साथ देखिए। तो सामने है महारानगढ़ फोर्ट, आप देख सकते हैं एकदम टॉप में। और ये है घंटाघर के पास ओल्ड सिटी जोधपुर की। ये है जोधपुर का पुराना शहर। मुझे पहले गाड़ी प्रॉपर पार्किंग देखनी है, उसके बाद मैं चलता हूँ। और ये सामने है जोधपुर का रेलवे स्टेशन। देखिए मेरे राइट में, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनी है। और ये है जोधपुर जंक्शन। तो ये है जोधपुर जंक्शन, जोधपुर रेलवे स्टेशन। अगर आप दिल्ली से घूमने के लिए इधर आ रहे हो या कहीं से भी, तो आपको यहाँ उतरना है। यहाँ से फिर आप लोकल टैक्सी में जोधपुर की, जोधपुर सन सिटी का टूर कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है, यहाँ से शानदार नज़ारा आप देखिए। तो ये है जोधपुर का बहुत पुराना शहर, देखिए आर्किटेक्ट इधर का। ये रेलवे स्टेशन के पास की जगह है। और देखिए कुछ इस तरह से है सामने, देखो वो है रेलवे स्टेशन, ये रहा, बहुत ही सुंदर। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जोधपुर का ओल्ड सिटी और रेलवे स्टेशन के पास। फिर अभी मैं घंटाघर जाऊँगा, इसके बाद पहले इधर कवर करते हैं, यहाँ क्या क्या है नया कुछ आपको दिखाते हैं। और इधर सब ऑटो वाले लगे हुए हैं, आपको कहीं जाना है तो यहाँ से ऑटो ले सकते हैं। एकदम स्टेशन के सामने है ऑटो वाले, ऑटो स्टैंड। सुंदर सी बिल्डिंग बनी हुई है, देखो बहुत पुरानी पुरानी इमारतें हैं ये। देखे इस मार्केट का सुंदर नज़ारा, बहुत प्यारा है। सामने है राज रणछोड़ जी का मंदिर, तो आपको लेके चलता हूँ। एक मंदिर भी राज रणछोड़, क्या काम आते हैं। चलिए मंदिर में चलते हैं, यहाँ से स्टेप जाके राज रणछोड़ जी का मंदिर है ऊपर टॉप में, आप देखिए एकदम।
बहुत सीढ़ी है। देखो वहाँ से और ऊपर तक। तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखता है यहाँ का नज़ारा, आप देखिए। एकदम शानदार सामने स्टेशन है और ये है मार्केट। बहुत सारा ट्रैफिक चल रहा है, आप देखिए कुछ इस तरह से है। ये देखो वो जोधपुर रेलवे स्टेशन है। चलिए मंदिर में चलते हैं, देखते हैं इधर क्या है। राज इरा बोर्ड, राज रण छोड़ जी जोधपुर। तो मैं अभी अंदर आया हूँ मंदिर के, राज रणछोड़ जी के मंदिर में। तो कुछ इस तरह से अंदर, इधर पुजारी जी बैठे हुए हैं और सामने है ये देखिए राज रणछोड़ जी। कुछ इस तरह से है यहाँ का सुंदर अंदर, बहुत पुराना मंदिर है। और सामने है गणेश जी का प्रतिमा लगी हुई है। तो ये मंदिर बना था 1905 में जोधपुर के अंदर, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, 1905 में बना है। तो अभी कितने साल हो गए लगा लीजिए अब, पुजारी जी ने मेरे को बताया। ये पुजारी जी यहाँ पूजा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। तो यहाँ से तो सुंदर नज़ारे एकदम, देखिए बहुत बढ़िया, जोधपुर के आपको दिखने को मिलेगा नज़ारा इधर। और यहाँ से उम्मीद भवन भी दिख रहा है। इधर है उम्मीद भवन। तो रणछोड़ मंदिर से कुछ इस तरह से है, देखिए शानदार नज़ारा पूरा। चलिए चलते हैं ओल्ड सिटी में घंटाघर की ओर, आपको घंटाघर दिखाते हैं। तो घंटाघर के लिए मैंने यहाँ से ऑटो किया है, ऑटो में जा रहा हूँ। देखो यह मेरा ऑटो, घंटाघर जाते क्योंकि रेलवे स्टेशन से घंटाघर काफ़ी दूर है, तो पैदल नहीं जाऊँगा, तो मैंने सोचा ऑटो कर लेता हूँ। गाड़ी मेरी वहीं खड़ी है रेलवे स्टेशन पार्किंग में। और ये लोकल मार्केट है यहाँ की, देखिए कितनी भीड़ है। लोकल मार्केट है यहाँ की, देखो चप्पल जूते, ये जूतों की मार्केट है सर, जूते मिलते हैं यहाँ पे, सारा कुछ मिलता है। और ये है नई सड़क, अभी आएगा घंटाघर। देखिए यहाँ पर नई सड़क में ऐसी दुकान है सब, देखिए कि
इतनी भीड़ आई हुई है देखो बाजार में, कितना शोरगुल है। अरे देखिए मार्केट, आम भी आ गए यहाँ पे। ये है ओल्ड सिटी का रास्ता, घंटाघर सदर मार्केट। तो यहाँ से अंदर जाएंगे, सामने देखो कितना ख़तरनाक बादल लगा हुआ है। और ये है घंटाघर, टाइम भी करेक्ट बता रहा है। ये है घंटाघर और यहाँ पर पटरी बाज़ार भी है और गाड़ियाँ भी चलती है। फेमस, और यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट भी आप देख सकते हैं। देखिए ये रहा मेहरानगढ़ की फोर्ट की वीडियो, मैंने पहले बनाई थी 2019 में, शायद आप लोगों ने देखी हो, नहीं तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप जाके देख लेना। अंदर की वीडियो मैंने बनाई है मेहरानगढ़ फोर्ट की। और ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, ये रहा। और ये रहा घंटाघर, देखो 6:00 अभी 10 मिनट पर मैं यहाँ पर हूँ शाम के, और अभी धूप है और बादल कितने ख़तरनाक बादल आया हुआ देखो सामने। तो कुछ इस तरह से है इधर घंटाघर का नज़ारा, और गोरे भी यहाँ घूम रहे आराम से। देखो जेब में हाथ डाल के, ये देखो जेब में हाथ डाला हुआ इसने, और ये भेलपुरी बना रहा है। ये है घंटाघर का नज़ारा, आप देखिए सुंदर। ये देखो स्पाइस मार्केट में क्या भीड़ है, देखो आप। अभी सूरज इधर को आ रहा है, देखो राजस्थानी पहनावा। तो ये है घंटाघर तिपोलिया मार्केट, और यहाँ पर सारे कुछ मिलता है देखिए। और एक गली आपको लेके चलता हूँ, ये है, ये भी तिपोलिया मार्केट है। और यहाँ पर सब राजस्थानी जो लोकल पहनते लोग, वो सारे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर। बाज़ार आए हुए हैं लोग, देखो। तो यह है ओल्ड सिटी की जोधपुर तिपोलिया बाज़ार, देखिए कितनी सुंदर है। और सारे सामान तो सब मिलते हैं इससे, जैसे हमारे दिल्ली चांदनी चौक में मिलता है सारा सामान, वैसे ही यहाँ भी मिलता है। देखिए उसी प्रकार की मार्केट है, सेम एकदम छोटी गली, बिजली के तार, देखिए भीड़ भाड़ भी वही है। तिपोलिया बाज़ार इसका नाम है, तिपोलिया बाज़ार। देखिए और एक मार्केट इधर को है, गली पतली सी एकदम, देखिए ये देखो राजस्थानी लहंगा वगैरह लटके हुए हैं, शादी के सब शॉपिंग चल रही है लोगों की तिपोलिया मार्केट में। मैं तो यहाँ से वापस चलता हूँ, बहुत लंबी है। देखिए तिपोलिया मार्केट, बीच में एक चौराहा है और कुछ इस तरह से है इधर। चलिए अब निकलते हैं बाहर की ओर, बहुत हो गया बाज़ार, तिपोलिया बाज़ार जोधपुर। तो दोस्तों इधर बहुत धूल मिट्टी हो रही है, अभी तो ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ।
तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।